सकते हैं। बाकी देखे चलो वीडियो और वीडियो एंजेलो चाची ने क्या बोलेंगे लैंग्वेज को जो भी है सब कुछ बताएं। राम राम। सो राम राम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड लाइक ऑलवेज। तो रात का टाइम है तो गुड मॉर्निंग तो कह नहीं सकते। अभी खाना बना है, साफ सफाई की है, बाकी सुबह करते हैं, देखते हैं भैया घर जाएंगे क्योंकि सामान भी ख़त्म हो रहा है। बाकी पत्नी अगर गई तो दिखा देंगे, नहीं तो नहीं है। अभी बस मैं भी सोने की तैयारी में थोड़ी देर तक, आजकल सोते भी बहुत लेट हैं यार। बस यही काम था आगे अभी, ठीक है। और बस यही है, बाकी देखे चलो वीडियो और वीडियो को पूरे देखना एंड तक, और लाइक कर दो अगर नहीं किया, और शेयर कर दो, सारी जगह कर देना चाहिए, ठीक है। बाकी काम कुम करके फिर सुबह मिलते हैं आराम से, ठीक है। तो अभी के लिए सो जाओ, गुड नाइट। सो अभी चाय देखना है, चाय पीनी है, उसके बाद देनी है कोई इन्फॉर्मेशन जो कल रात कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पे उसके बारे में, कि एंजेलो चाची ने क्या कहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है नहीं स्टूडेंट्स के लिए, घटिया इन्फॉर्मेशन, हम तो पागल हो गए हैं वो इन्फॉर्मेशन से। चाय देखी मिल गई है तो मिलते हैं थोड़ी देर में, चाय पानी पी के बिस्कुट वगैरह खा, इन्फॉर्मेशन बताते हैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन हुई है, क्या बातचीत हुई है, तो वेट कीजिए। तो सीधे पॉइंट की बात करूंगा कि क्या न्यूज आई है, क्या कॉन्फ्रेंस में कल क्या हुआ है, क्या हमारे लिए क्या आया है रूल वगैरह जो नया आया है जो कल उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बताया है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं अभी जर्मन में, तो उनके कॉलेज कब खुलेंगे, स्कूल कब खुलेंगे, लैंग्वेज स्कूल जो भी है सब कुछ बताएंगे आपको अभी। बाकी अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करना है अभी कर दो वरना बाद में कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधा मेन पॉइंट पे आता हूँ, कल कॉन्फ्रेंस हुई हमारी आंटी मार्कलो की, एंजेलो मार्कलो, तो उन्होंने कल कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऐसे से पिछले हफ्ते से ठीक ठाक चल रहा है जर्मनी में, अभी केस बढ़ भी रहे हैं और रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि इसको एक्सटेंड करते हैं। अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 3 मई तक, अब हम कॉलेज नहीं जा सकते 3 मई तक, 3 मई के बाद ही होगा ओपन, अब वो भी अगर सिचुएशन अच्छी रहती है तो, ठीक है। काम वगैरह जो थोड़े बहुत ही चल रहे थे, बैंक हॉस्पिटल्स ये थोड़े बहुत काम जो चल रहे हैं ये चलते रहेंगे, अभी बंद नहीं होगा, लॉकडाउन प्रॉपर नहीं हुआ है, लॉकडाउन के बारे में अभी भी नहीं सोचा है, लेकिन जिस हिसाब से अपरेड हो रहा है अगर कंट्रोल हो जाए तो अच्छी बात है, वरना ये फिर और एक्सटेंड कर देंगे। और मेरे भी एग्ज़ाम्स की डेट जो है वो आगे बढ़ चुकी है, जो कि अच्छी नहीं है मेरे लिए यार, मैं तो पागल हो चुका हूँ घर में। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपके क्वारंटाइन टाइम कैसा निकल रहा है, मेरा तो बिल्कुल घटिया निकल रहा है क्योंकि घर से निकल नहीं सकता, फाइन पड़ जाएगा 200-250 यूरो का, क्या फ़ायदा उसका। तो ये बताया है इन्होंने कि स्टूडेंट्स स्कूल है जो कॉलेज हैं तो 3 मई के बाद खुलेंगे। बाकी जो मेन ऑफिसेज की बात है उनके अभी तक भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो कब ओपन होंगे, एम्बेसीज कब ओपन होंगी, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है उसकी, लेकिन जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है स्कूल और कॉलेजेस की वो खुल जाएंगे 3 मई से, जो कि अभी तक की न्यूज़ के आधार पर है। उसके बाद अगर ये एक्सटेंड करते हैं तो फिर एक्सटेंड हो जाएगा। तो मेरा सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं जर्मनी में, अभी अप्लाई करने वाले हैं जो कर रखा है जिन्होंने जो भी है, वो अपना थोड़ा रहे हैं। एक लोग वैसे भी साल साल दो दो साल ख़राब करते हैं, 1 महीना ख़राब कर लोगे 2 महीना कोई चक्कर ज़्यादा पड़ेगा नहीं, वैसे भी इंडिया में तो सब बंद ही है, 1-2 महीना वैसे ही जा रहा है आपका। तो इसके बाद यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी तो अपना फटाफट से अप्लाई करके सीधा इंटरव्यू दे के सीधा आ जाना, क्योंकि वीज़े बड़े जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना, वीजे बड़ी तेज तेज आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, अब जैसे ही फाइल है लगा देना बस। ये है इंफॉर्मेशन अभी तक की जो गवर्नमेंट के द्वारा आई है, अभी 3 मई को ही कॉलेज स्कूल सब खुल जाएंगे। कुछ बंदों के मैसेज आ रहे थे कि भाई आप वीडियो बनाओ यार हिंदी में बनाओ, सॉरी
आप इंग्लिश में बनाओ वीडियो, क्योंकि कहीं का इंग्लिश में हिंदी में समझ नहीं आता है। तो भाई देखो ऐसा है, मैं हूँ हरियाणा से, ठीक है, इंग्लिश में हाथ है थोड़ा टाइट, इतनी इंग्लिश आती नहीं अपनी, सीधी बात ही है, ठीक है, इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत ही, बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ अपने लिए। जब से जर्मन सीखना स्टार्ट किया वो भी भूल गया, अभी इंग्लिश बहुत जमी बिल्कुल ही भूल गया, तो अभी बहुत अड़ता हूँ मैं वर्ड्स में, कहीं कहीं वर्ड्स ऐसे हैं, क्योंकि इससे पहले जब मैं आयल्स कर रहा था उसमें मेरा एक्सेंट एक नंबर का हो गया था, लेकिन अभी घटिया हो गया बिल्कुल, क्योंकि ग्रामर भूलता जा रहा हूँ, जर्मन सीख रहा हूँ ना, इसलिए यह सबके साथ होगा, जब जर्मन सीखोगे तो आप इंग्लिश भूलते जाओगे, तो इसलिए भाई आई एम सो सॉरी है सबके लिए। हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, हिंदी में देख समझ आती है तो कोई चक्कर नहीं है भाई, बाकी डिपेंड करता है आप, अगर देखना चाहते हो तो देखो, नहीं देखना चाहते तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। पर आगे वीडियो के लिए, जिस वीडियो के ऊपर आपको चाहिए वीडियो, एक वीडियो और बनाने वाला हूँ मैं, इसके बाद आ जाएगी वो मंथ, वो पार्ट टाइम जो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम कमाई से अपनी पार्ट टाइम जो से मतलब कि अपनी फीस वगैरह निकाल सकते हैं, उसकी वीडियो भी आने वाली है। बाकी और वीडियो के ऊपर चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर, नीचे कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर जरूर कर दो। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो आराम से बाद में कर देना, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। बाकी यही थी आज की वीडियो, यही थी जो ऑफिशियल न्यूज़ थी गवर्नमेंट की तरफ से जर्मन की, 3 मई से सब ओपन होगा, मतलब जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और स्टे सेफ, स्टे एट होम, राम राम जी।